हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी है शाम का टाइम और अभी से मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन हांडी, यानी कि मिट्टी के बर्तन में चिकन बनाने जा रहे हैं। तो आप मिट्टी के बर्तन में, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम चिकन बनाने का ट्राई कर रही हूँ। आप अगर चिकन नहीं खाते हो तो कुछ भी सब्ज़ी बना सकते हो, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है और उसमें खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलो अभी दिखाती हूँ आपको अंश को। पैसा देना। आने कहाँ से लाऊं? नहीं है आप खत्म खत्म। जा रख दो, भैया को देना इसको। भैया को देना, बाबू जा भैया को देना। तो चलो चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपना। तो अभी आ चुके हैं किचन में। यहाँ पे देख सकते हो हमारा प्याज और लहसुन रखाया है, थोड़ा सा बस है यहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ पे सिलबट्टे में इसको जीरा और अदरक और लहसुन को अच्छे से पीस लूँगी। उसके बाद यहाँ पे चॉपर में प्याज को चॉप कर लूँगी। मैं यहाँ पे पूरा देसी स्टाइल में बनाऊँगी, जिसमें कि बहुत ही कम हमें मसाला वगैरह लगेगा। नॉर्मल जो बेसिक सा मसाला रहता है वही सब डालकर आज मस्त चिकन बनाएंगे देसी स्टाइल में। और यहाँ पे देखो, मैंने हांडी गरम करने के लिए रख लिया है और गैस का फ्लेम स्लो रखा है। तो यहाँ पे मैं हांडी रख दी हूँ गरम करने के लिए और उसमें तेल डाल दी हूँ। थोड़ा सा बस गरम करना है, उसके बाद तुरंत तेल डाल देना है। इसको बहुत ज़्यादा गरम होने के लिए वेट नहीं करना है, वरना फिर ये टूटने का डर रहता है। तो हल्का सा जब ये गरम हो जाए उसके बाद ही इसमें तेल डाल देंगे, फिर वो धीरे से गर्म हो जाएगा। जब तेल हल्का सा गर्म हो गया था उसके बाद मैंने इसमें जीरा और खड़ी हरी मिर्च डाल दी है इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखो चिकन डाल दी हूँ। इसके बाद कुछ देर के लिए इसे ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें ना मैं प्याज डालना भूल गई थी, तो थोड़ी देर बाद फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे देखो मैंने ढक दिया है इसको, अब छोड़ देंगे कुछ देर के पकने के लिए। और गैस का फ्लेम थोड़ा सा मैंने स्लो कर दिया था इस टाइम पर, तो हल्का सा बढ़ा देंगे गैस का फ्लेम, क्योंकि हमारा हांडी अच्छे से गरम हो गया था। तो हल्का सा बढ़ाकर फिर पकाएंगे। और यहाँ पे देखो हमने इसे एक बार चला लिया है, उसके बाद फिर इसमें ना प्याज डाल देंगे, क्योंकि प्याज डालना भूल गई थी। तो आप पहले से ही इसमें प्याज डालकर प्याज को अच्छे से भूनने के बाद फिर चिकन को भूनोगे तो वो नीचे चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर देखो मैंने प्याज डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर ये लहसुन अदरक और जीरा पीस कर रखी थी उसको डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और देखो धीरे धीरे चिकन का कलर चेंज हो रहा है। और यहाँ पे मैं इसे अब अच्छे से चला लूँगी। उसके बाद फिर इसमें टमाटर और जो भी बेसिक सा मसाला, सूखा मसाला रहता है जो हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, चिकन मसाला वगैरह, तो सब कुछ मैं यहाँ पर डाल दूँगी। उसके बाद फिर कुछ टाइम के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर मिलाएँगे इसको। तो बस ऐसे ही सिंपल सा बनाया था, बट बहुत ही टेस्टी लगा था। और इस प्याज को ना अच्छे से भूनने के बाद फिर चिकन को डालना है, जिससे कि वो नीचे ना चिपकेगा नहीं। बट मैं भूल गई थी प्याज डालना, इसलिए हल्का सा नीचे चिपक रहा था। तो बस ऐसे ही बन रहा है हमारा चिकन, और फर्स्ट टाइम बनाई थी, बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना था। आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा इस तरह से। तो फिर कभी और बनाऊंगी तो उसको भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस बार फर्स्ट टाइम बनाई थी तो बहुत ही थोड़ा सा बनाया था, क्योंकि मतलब डर था कि कहीं ये बीच में टूट ना जाए, इसलिए तो बस थोड़ा सा ही बनाया है। अब यहाँ पे अच्छे से मिल थोड़ी देर के लिए ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें मैंने कुछ भी और मसाला यूज़ नहीं किया है, जो नॉर्मल डेली यूज आता है मसाला, बस उसी को किया है। तो देखो हमारा चिकन अब पूरा बन चुका है, बस इसमें पानी डालना है। तो पानी आपको ना गरम डालना है, ठंडा पानी बिल्कुल मत डालना, वरना हांडी इसको सॉफ्ट लगने से टूटने का डर रहता है, क्योंकि वो बहुत गर्म है और तुरंत उसमें ठंडा पानी डाल देंगे ना तो टूट जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर गर्म पानी डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं स्टील वाला करछी यूज कर रही हूँ, इसके लिए मुझे लकड़ी वाला
चाहिए जिससे कि वो बहुत ही अच्छे से मतलब कि होगा। ये उसके लिए मतलब मिट्टी के बर्तन के लिए लकड़ी वाला ही ठीक रहता है, बट मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने स्टील का यूज़ किया और देखो कितना मस्त कलर आया है। और ये ना बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो अगर आपको थोड़ा सा मतलब ग्रेवी वाला चाहिए तो थोड़ा पहले ही आपको इसको फ्लेम को गैस का बंद कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत गर्म रहता है तो बहुत देर तक ये इसमें उबाल रहेगा, जिससे कि ये आपका ग्रेवी का और भी ठीक होने का चांस रहता है। तो अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी वाला चाहिए तो आप गैस का फ्लेम थोड़ा सा जल्दी ही बंद कर दीजिएगा। और ये देखो हमारा चिकन बनकर रेडी है। अब इसमें हम धनिया पत्ती और ऊपर से और थोड़ा सा मसाला डाल देंगे, फिर हमारा चिकन रेडी हो गया। और कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ही ऐसे ही वीडियो देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फाइनली हमारा चिकन यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी फिर भी इसमें उबाल रहेगा, क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन है तो बहुत देर तक ये गर्म रहता है। ये देखो इसमें उबाल है, और ये देखो गैस का फ्लेम पूरा मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसमें फिर भी उबाल है, और बहुत ही देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना खाने में भी उतना ही अच्छा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।